फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह ओमपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बहुत ही फेमस रेसिपी आलू बोंडा। ये आपने बहुत बार खाया होगा, पर आज हम इसे कुछ अलग अंदाज में बनाकर तैयार करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बोंडा के लिए आलू फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने लिया है 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है, इसमें हम जीरा चटका लेते हैं। ये हमने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। हाफ टी स्पून राई, 1/2 करी पत्ता, 1 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 कलर आने तक भूनेंगे। प्याज में हमारे हल्का सुनहरा कलर आ गया है, इसमें हम ग्रेट करा हुआ अदरक डाल देते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेस्ट के अनुसार, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 काली मिर्च, इससे इसका फ्लेवर और भी यूनिक हो जाएगा। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। मसाला हमारा भुन गया है, इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज बॉइल आलू लिए थे, इनको हमने ग्रेट कर लिया है। आलूओं को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला आलूओं में अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम 10 मिनट पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारे बोंडा के आलू ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम बाउल में निकाल लेते हैं। आइए अब इसकी बॉल बना लेते हैं। बॉल हम मीडियम साइज की बना रहे हैं। बॉल का साइज आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हो। बॉल हमारी सारी बनकर तैयार हो गई है। अब इनको डिप करने के लिए गोल तैयार करेंगे। गोल बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, इससे हमारे बोंडे और भी क्रंची हो जाएंगे। ग्रेट किया हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, इसे हम क्रश करके डालेंगे। इसे और स्पाइसी करने के लिए 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं।
थोड़ा सा पानी और डालेंगे। घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। आइए इसमें हम बॉल डिप करके फ्राई करेंगे। गोंडा को हम स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें पलट देते हैं। फ्रेंड्स ये बनाने में बहुत आसान होते हैं और ये खाने में उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स हमारे बोंडा की दोनों साइडें अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम अपने बाकी के बोंडा फ्राई करेंगे। हमारे सारे आलू बोंडा बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और इवनिंग टी में एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।